बस मैं समझना चाह रही थी बेसिकली कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है आपको, दर्द हो रहा है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है या और कोई दिक्कत है? तो रेगुलर टाइम से आ रहा है, सही आ रहा है। अच्छा, पीरियड्स रेगुलर है, बट आपको मेन प्रॉब्लम है दर्द का। दर्द कहाँ पे और कैसा हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है? दर्द तो प्रॉपर तो मैडम 15-20 दिन से ज्यादा हो रहा है। 15-20 दिन से, और वैसे ही 2-3 महीने से हो रहा है, पर 15 दिन से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है दर्द, एक बार बता देंगे? खड़े होके बता दीजिए। इस साइड में ज्यादा होता है, इस साइड में कम रहता है। अच्छा, राइट साइड में जो आपके हाइड्रोसल्फिंग्स ना, लेफ्ट की है ये। लेकिन आपको राइट में हो रहा है पेन? इस दोनों साइड ही होता है, लेकिन कभी कभी इस साइड ज्यादा होने लग जाता है। अच्छा, ठीक है, बैठ जाए। 3-4 महीने से चल रहा है। हाँ, पेन तो माइनर। इससे पहले सोनोग्राफी कराई थी क्या? हाँ, इससे पहले तो साल भर पहले कराई थी, अभी तो ये 8-4 दिन पहले कराई है। इसमें है रिपोर्ट्स सोनोग्राफी। ये एक ही है ना? ये तो MRI की है, इसके नीचे सोनोग्राफी। अच्छा, लेफ्ट हेड नेक्स्ट का सुटेबलस सिस्टिक इंटरनल सब्ट्रैक्शन। महीने वगैरह सब ठीक आ रहे हैं? हाँ, सब ठीक है। उल्टियाँ वगैरह या और कोई दिक्कत? उछकारे आते हैं, उल्टियाँ तो नहीं होती, उपकारी आती है। हाँ, उपकारी ज्यादा आती है। महीने ठीक आ रहे? हाँ, महीने में कोई समस्या नहीं। हाँ। और दर्द अब ज्यादा हो रहा है आपको? अभी ज्यादा हो रहा है। तो कल रेखा मैडम हमारे सवाई माधो पर थी, पहले तो उन्होंने लिखी थी एक पेन किलर, वो दी थी, उससे थोड़ा रिलीफ लगा रात को। भाभी से मिल भी पाए थे। आशा शर्मा जी क्या लगते हैं? भाभी है मेरी। अच्छा, ये तो निकलेगी, ऑपरेट होगी पेन उसका, वैसे और कोई आराम मतलब वो नहीं है सोल्यूशन। अब इसमें अपने को ये डिसाइड करना है, भाई यूट्रस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूट्रस का कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओवरीज दोनों ठीक है तो ओवरीज को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो जिसमें जहाँ जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो बेसिकली इस तरीके की होगी, लेफ्ट साइड की ट्यूब में इस तरीके से पानी भर के और ये फूल गई है, ये जो ये ट्यूब है ये फूल गई है। तो ये फूल गई है तो इसको यहाँ यहाँ से हटा के ये इसको हटा देंगे, ओवरी बचा लेंगे दोनों साइड की और ये बचा लेंगे। लेकिन इससे ये समझना जरूरी है कि आगे चल के भाई अपन ने सिर्फ इसका ऑपरेशन किया है, आपके पास आपका यूट्रस, आपकी दोनों तरफ की ओवरीज और राइट साइड की ट्यूब, ये 3-4 चीज बची हुई है। जैसे आज इसमें बीमारी बनी है, इनमें आगे चल के कोई सी बीमारी बन सकती है। मतलब एक बार कई बार माइंड फ्रेमिंग होती है, हमने एक ऑपरेशन करा लिया और अब भाई मेरे को जिंदगी में आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई आगे भविष्य को तो कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन करंट प्रॉब्लम ये, करंट सोल्यूशन ये है। आज आपकी समस्या ये है कि लेफ्ट वाली ट्यूब के अंदर पानी भर गया है, और जैसे गुब्बारे में पानी भरता है वो फूल जाता है और खींचता है, टेंशन के कारण उसमें पेन होने लगता है। दूसरा, जैसे इसमें इन्फेक्शन मतलब पानी बनता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ना कोई कारण से उसमें पानी भरता है, ब्लॉक। पानी इसलिए भरता है कि इधर से भी ब्लॉक हो गई, इधर से भी ब्लॉक हो गई, इस कारण उसमें जो पानी बन रहा है उसी में इकट्ठा हो जाता है। तो अब जैसे जैसे इकट्ठा होता जाता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कीटाणु बनने लगते हैं। तो फिर वो इन्फेक्शन के कारण आसपास के आंते हैं, मोमेंटम, जो आसपास के आंतों का फैट होता है, मोमेंटम बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर आके चिपक जाता है। अच्छा। तो ये सारा एक मास बन जाता है, तो ये सब हटा के सही करके फिर इसको हम निकाल पाते हैं। अच्छा। तो ये वाली बीमारी तो जड़ से निकल जाएगी। अच्छा। लेकिन आगे कोई बीमारी नहीं होगी उसका हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी करंट आराम आ जाएगा। और कई लोग ये भी सजेस्ट कर देंगे कि साहब यूट्रस भी निकाल दो, दोनों से ट्यूब भी निकाल दो और ओवरी भी निकाल दो, लेकिन उन सब चीजों की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। हाँ। जो बीमारी है उसको निकाल दो, बाकी आपको क्या लगता है वो आप मुझे बता दीजिए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोच रहे हैं? थॉट तो ये कि अभी हमारे ज्यादा टाइम डिवा में इसको सेकंड मैरिज है इनकी भी। ओके। तो अभी 2 साल ही हुए हम, तो अभी इशू के बारे में किसी ने कहा था कि भाई कोशिश करो। अच्छा, तो प्रेगनेंसी भी चाहते हैं। हाँ। तो इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि ये जो ट्यूब खराब है ना, हाँ, इसको तो हम निकाल देते हैं। हाँ। और दूसरा है ये है कि साथ के साथ दूरबीन से एक जांच होती है। हाँ। बच्चों के हिसाब के लिए, बच्चों फर्टिलिटी के लिए DHLCPT टेस्ट होता है। नीचे से दूरबीन डाल के अंदर से यूट्रस को चेक कर लेते हैं कि अंदर से सही है, इधर के ट्यूब ओवरी को चेक कर लेंगे, पेट में दूरबीन डाल के नीचे से रंगीन पानी डाल के दूसरी तरफ की नली को चेक कर लेंगे।
कि ओपन है या बंद है, क्योंकि जनरली क्या होता है इन्फेक्शन होता है तो दोनों तरफ ही हो जाता है, या कई बार पेट में अंदर टीबी बना हो पुराने टाइम पे और अपने को पता नहीं हो, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो सारी जांच करके हम फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिटनेस दे देंगे, या जो भी करेक्शन करना होगा वो करेक्शन भी हम कर देंगे। जैसे कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो पाई तो नॉर्मल बता देंगे, आईवीएफ होगा तो आईवीएफ के लिए बता देंगे, जैसा भी होगा। एक तरफ की भी नली खुली है अगर तो आराम से उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और एज भी ऐसा कोई ज्यादा नहीं, 43 ईयर एज है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। और कुछ अभी मतलब कब कराना पड़ेगा ये ऑपरेशन? दर्द हो रहा है तो आज ही कर देते हैं, कल छुट्टी कर देंगे। अच्छा, क्या प्रोसीजर है इसका? पहले बेहोशी की जांचें होंगी, और बेहोशी जांचों में भी 1-1.5 घंटे में जांचें हो जाएंगी, जांच आने के बाद ऑपरेशन कर देंगे, कल सुबह छुट्टी कर देंगे। दूरबीन से होगा, दूरबीन, बाकी परहेज कुछ नहीं है, नॉर्मल जाना धोना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ चालू रहता है। अच्छा, आप आराम से कल अपना नॉर्मल काम सारा कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट आपको सिस्टर बार अभी समझा देगी। अच्छा, फिर पता नहीं चलेगा ना आगे प्रेगनेंसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और पेन किलर तो मैं दे दूंगी, लेकिन फिर भी परमानेंट आराम तो नहीं आएगा ना, कि सोर्स ऑफ पेन तो वही है। तो टेम्पररी रिलीफ हो गया कि अभी आज अपने को ऐसा ही कोई इमरजेंसी के साथ हम ऑपरेट आज करा ही नहीं सकते, तो वो पेन किलर खाने का मतलब है, नहीं तो फिर फाइनली तो ऑपरेट ही होगा। ये तो अपेंडिक्स की तरह जैसे मवाद बन गई फट जाएगी, तो फिर उसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा आज नहीं तो कल, और अननेसेसरी पेन में रहोगी 4 दिन और फिर भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, और फिर 4 दिन बाद मान लो पेन सेटल भी हो गया तो फिर आपको लगेगा साहब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। अब प्रेगनेंसी के लिए फिर आओगे तो फिर भी मैं यही जवाब दूंगी जो सेम अभी बोला है आपको। अच्छा, तो वन गो में आपका सारा काम करके दे रहे हैं, इससे बेनिफिट बढ़िया बेनिफिट क्या होगा कि आज अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो दर्द आज के आज खत्म हो जाएगा। आज के आज अभी आपको ऑपरेशन के तुरंत बाद ही मैं बता दूंगी कि आगे फर्टिलिटी का क्या स्टेटस है, दूसरी ट्यूब सही है नहीं है, बच्चेदानी अंदर से सही है नहीं है, आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है नहीं हो सकती है। नॉर्मल होती है तो ही तो टाइम वेस्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम 43 ईयर हो तो टाइम तो वैसे ही नहीं है। आप 4 महीने भी खराब करते हो तो खराब ही है वो तो जिंदगी में आगे। सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो मैंने आज ऑपरेशन किया, अगले महीने आपने प्रेगनेंसी लिए ट्राई किया और उसके अगले महीने आपको पॉजिटिव आ जाता है, इससे बेटर क्या होगा? तो काम तो यही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब दुख पाके कराओ, टाइम खराब करके कराओ, 4 डॉक्टरों के पास फीस देके कराओ, या आज के आज करा लो। सही बात, तो बात तो एक ही, अच्छी बात तो यही है कि अपनी जिंदगी का टाइम नहीं खराब।